हेलो ऑडियंस, हमने कल के लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। आज हम देखने वाले हैं गॉस थ्योरम की सेकेंड एप्लीकेशन, बराबर। एंड वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब है तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, क्लियर। तो ये गॉस थ्योरम में दो मेन पॉइंट थे, फर्स्ट था क्लोज्ड सरफेस एंड सेकेंड था एंक्लोज्ड चार्ज। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हमें एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा एंड एंक्लोज्ड चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हम ऐसे फाइंड करेंगे, बराबर ना। तो देखो, यहां पे मैं ले रहा हूं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। सर, आपके हाथ में जो शीट है वो कहां इनफाइनाइटली लॉन्ग है? नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बहुत ही ज्यादा नजदीक, मतलब यहां पे फाइंड करेंगे ना, तो ये डिस्टेंस इतना कम होगा, इतना कम होगा कि इतना इसका जो सरफेस है ना, बराबर, इसकी जो लेंथ है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम ले सकते हैं ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है, क्लियर। चलो, हमें क्या करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे, यहां पे। तो इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही डिस्टेंस के मैं पॉइंट ले रहा हूं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। तो मैं क्या ले रहा हूं यहां पे, ये प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस के बहुत सारे पॉइंट ले रहा हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं मुझे यहां पे एक सरफेस मिला, बराबर। याद रखो, उतने ही डिस्टेंस पे मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, देखो ये रहा, उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे। तो इस साइड भी आपको उतने ही डिस्टेंस पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर सारे के सारे पॉइंट्स में से मैं एक इमेजिनरी सरफेस पास करूं ना, तो मुझे एक सरफेस यहां भी मिलेगा। तो आपको गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जिसके सरफेस के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, बराबर ना। यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो है ना, वो दो टाइप के लिए आप अलग अलग ले सकते हो, दो टाइप के अलग अलग, बराबर। चलो, कैसे लेंगे हम, तो फर्स्ट देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सरफेस था, बराबर। मैंने क्या किया, देखो, सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, बराबर। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक ऐसा सरफेस ले लिया, समझो, मान लो यहां पे ये पैक कर दिया मैंने, तो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा। उतने ही डिस्टेंस पे मैं यहां भी एक सरफेस ले रहा हूं, मतलब मैंने यहां पे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, पता चला। अब एक ऐसा गॉसियन सरफेस है जिसके पास तीन सरफेस है, इसको मैं बोल रहा हूं क्लोज्ड सरफेस। एंड ये क्लोज्ड सरफेस के पास टोटल तीन सरफेस है, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस, सेकेंड फ्लैट सरफेस एंड थर्ड है कर्व सरफेस। मैं क्या फाइंड करूंगा, टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए, ये दो प्लेन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा एंड ये कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, हम ये फाइंड करेंगे। तो ये तो था सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सेकेंड आप ऐसा भी ले सकते हो, देखो, क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। तो कुछ डिस्टेंस पे यहां पे एक फ्लैट सरफेस ले लिया जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक फ्लैट सरफेस ले लिया जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड ये एक साइड का सरफेस, क्लियर। तो सिलिंड्रिकल या फिर क्यूबॉइडल, आप कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो, बराबर। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्लियर। चलो, तो देखते हैं, यहां पे मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, याद रखो, उस पर जो डेंसिटी होगी ना वो कांस्टेंट होगी, डेंसिटी कांस्टेंट है, बराबर। एंड मुझे क्या फाइंड करना था, ये जो एक सरफेस था ना उससे कुछ डिस्टेंस पे, चलो मान लो यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट, बराबर। चलो, क्या होगा, अगर ये प्लेन शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, क्लियर ना। तो अगर मैं इस साइड देखू ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा आउटवर्ड, मतलब ये डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ईपी, बराबर। उतने ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड में एक और पॉइंट ले रहा हूं पी डैश, उतने ही डिस्टेंस पे, क्लियर। तो
तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ईपी डैश, क्लियर? ओके। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये दोनों पॉइंट यहां पे कवर हो जाए ना, ऐसे मैंने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, बराबर ना? चलो, तो मैंने एक यहां पे गॉसियन सरफेस ले लिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, आप ऐसे भी ले सकते थे। पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, एंड पी डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो ईपी डैश, क्लियर? ठीक है, चलो। तो यहां भी टोटल तीन सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस है एंड थर्ड कर्व सरफेस, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना है टोटल फ्लक्स लिंक विद दी गॉसियन सरफेस या फिर क्लोज्ड सरफेस, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, इसके साथ कितना लिंक हुआ है, इसके साथ कितना लिंक हुआ है, हम ये तीनों फ्लक्स फाइंड करेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे, तो हमें मिलेगा फ्लक्स लिंक विथ क्लोज्ड सरफेस, बराबर? बराबर। तो मैंने यहां पे एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, एक ऐसा सिलेंडर लिया है जिसका एरिया है ए, बराबर? चलो, इसका एरिया है ए, एंड आपको पता एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो यहां पे एक फ्लैट सरफेस ऐसा था ना, क्लियर? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो इस डायरेक्शन में होगा। बताओ इसके लिए एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओ सर, इसका एरिया वेक्टर हम अंदर नहीं ले सकते ना, हमें गॉसियन सरफेस से बाहर रह के ही देखना है, बराबर ना? यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, चलो बराबर। तो एंड थर्ड पोर्शन बचा कर्व सरफेस, हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे। चलो, स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं, देखो इस पे, बराबर। चलो, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए मैं लिख रहा हूं, मान लो सरफेस एरिया वेक्टर है डीएस वेक्टर, बराबर। एंड इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ये सरफेस का, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। देखो क्या हो रहा है, ये सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कर्व सरफेस से पैरेलल है। कर्व सरफेस से पैरेलल मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, तो उसको हम फ्लक्स में कंसिडर नहीं करते। तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए बोलो एंगल कितना हो गया, 90। चलो क्लियर। तो देखते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद दी कर्व्ड सरफेस। चलो, फॉर्मूला आपके पास है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ई एंड डी एस के बीच का एंगल है 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो फ्लक्स आपको जीरो मिलेगा, मतलब कर्व सरफेस में से थोड़ा सा भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा, बराबर। अब दो फ्लैट सरफेस बचे, कौन से दो फ्लैट सरफेस है, एक ये रहा फ्लैट सरफेस एंड एक ये रहा फ्लैट सरफेस, दो फ्लैट सरफेस। चलो, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो आपको पता कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 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 ये फ्लैट सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। तो मैं बोल सकता हूं ये फ्लैट सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो स्मॉल एलिमेंट में जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां पे, इसका एरिया वेक्टर है ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी, बराबर। तो देखो, मैं यहां पे लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो। बोलो हम क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा, कॉस जीरो, बराबर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थीटा, तो जीरो डिग्री है, कॉस 01 हो जाएगा। सर, आपने ईपी नहीं लिखा, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, मैंने क्या बोला था, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, तो मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूं ये, तो ईपी के बदले मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ई लिख दिया। मान लो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड मुझे वही फाइंड करना है कि ये प्लेन सरफेस की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बराबर। चलो, अब मैं ये फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूं, इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो सर, यहां पे ईपी डैश के बदले हमें लिखना पड़ेगा माइनस ई, हाँ सही है, माइनस ई
एरिया वेक्टर भी इसकी ऑपोजिट डिरेक्शन में है तो वो भी आएगा माइनस से, माइनस ई वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर, वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा, बराबर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है फिर से जीरो, तो आपको फ्लक्स मिलेगा ई, पता चला ना, ई एंड ए दोनों के बीच का एंगल है जीरो, कॉस जीरो वन, तो फ्लक्स पास होगा ई ए जितना, क्लियर। चलो टोटल फ्लक्स लिंक विद दी क्लोज्ड सरफेस, तो हम क्या लिखेंगे, जितना भी फ्लक्स था सबका एडिशन कर देंगे, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। अब कव सरफेस में से तो थोड़ा सा भी फ्लक्स पास नहीं हुआ, फाइव वन जीरो, फाइव टू कितना मिला ई ए, फाइव थ्री कितना मिला ई ए, दोनों पॉजिटिव फ्लक्स मिले, बराबर। मतलब यहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है, यहां से फ्लक्स बाहर आ रहा है, फ्लक्स आउटवर्ड डिरेक्शन मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, बराबर। चलो तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, जीरो प्लस ई ए प्लस ई ए, टोटल कितना मिला टू ई ए, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट आपको टोटल फ्लक्स मिल गया, एंड गॉस थ्योरम में क्या था, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। चलो ये चार्ज बताओ क्लोज्ड सरफेस से अंदर है ना, ये चार्ज क्लोज्ड सरफेस से अंदर है ना, तो कौन सा चार्ज क्लोज्ड सरफेस से अंदर है। तो देखो ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ना वो क्लोज सरफेस से अंदर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा चार्ज अंदर है, देखो इतने पोर्शन का चार्ज अंदर है, ठीक है। मैं बोल सकता हूं इसका एरिया है ए, तो ए एरिया में अंदर जो चार्ज होगा वो ही ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से अंदर आया, बराबर ना। तो नेक्स्ट देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, उसको हम बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया, कितना चार्ज अंदर आया, तो देखो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं इतना, ठीक है, सारा का सारा चार्ज नहीं, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन ई एरिया में जितना चार्ज होगा वही अंदर है, तो बताओ एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए, इतना एनक्लोज्ड चार्ज है, एंड टोटल फ्लक्स तो वैसे भी आपने फाइंड कर लिया है, बराबर। तो बोलो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई के बदले हम पुट करेंगे टू ई ए, क्यू के बदले हम पुट करेंगे सिग्मा इन टू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई एंड क्यू के बदले मैंने पुट कर दिया, ई ए मैंने कट भी कर दिया। बोलो क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, तो ये आपको मिलेगा सिग्मा बाय, टू से डिवाइड कर दो, टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आपको 10 टाइम्स लिखनी है, बराबर। चलो मान लो यहां पे मैंने ये आर डिस्टेंस पे कुछ सरफेस लिया था, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो सर सिग्मा सरफेस के लिए एप्सिलॉन नॉट पे तो वो तो कांस्टेंट है, यहां पे डिस्टेंस आया ही नहीं, देखो यहां पे डिस्टेंस नहीं आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट नेवर डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है नहीं, आप थोड़ा आगे जाओ थोड़ा आगे जाओ थोड़ा आगे जाओ, हाँ सर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले लो ना, उतना नहीं, उसकी कुछ लिमिट होती है, बराबर। बाकी हम ऐसा ही देखेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट के लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है नहीं, मतलब आप जितना भी आगे जाओ जितना भी आगे जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, डिरेक्शन तो वैसे भी ये है, मतलब डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे सेम है एक जैसे, मतलब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी एक जैसा होगा डायरेक्शन भी एक जैसी, क्लियर। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बराबर। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था, पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, ये होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो क्लियर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट की फॉर्मूला में पता चल रही सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट,
याद रखो ये जो शीट बोल रहा हूं ना वो इतनी थीन है, इतनी थीन है कि हम उस पे एक चार्ज का एक सिंगल लेयर ही कंसीडर करेंगे, बराबर ना। चलो तो देखो यहां पे मैं ले रहा हूं एक शीट, मान लो कि यहां पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बराबर। तो पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डिरेक्शन में होगा? आउटवर्ड, 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 बराबर। अगर यही शीट अगर नेगेटिवली चार्ज्ड होती तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता इनवर्ड, 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 बराबर। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। तो देखो यहां पे मैं ले रहा हूं एक फर्स्ट केस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट, जिसका मैंने बोर्ड के साथ एक सिंगल क्रॉस सेक्शन ही लिया है ऐसे, बराबर। बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, 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 दोनों डायरेक्शन में आउटवर्ड, बराबर। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, बराबर। चलो नेक्स्ट, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट है, बोलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेगेटिव है तो इनवर्ड, कितना होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बराबर। नेक्स्ट अब थर्ड केस मैं ले रहा हूं जिसमें मैं दो प्लेन शीट ले रहा हूं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक नेगेटिवली चार्ज्ड, बराबर। इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पॉजिटिव, इसकी चार्ज डेंसिटी है उतनी ही सिग्मा लेकिन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं, देखो आउटवर्ड, आउटवर्ड। चलो यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। किसका है ये? फर्स्ट का, बोलो कितना होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया ना, ये फर्स्ट शीट का दिखाया है, याद रखो, बराबर। चलो फिर ये सेकेंड सरफेस है, उसकी चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं ऐसे, इनवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में होगा। तो नीचे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है ना, वो सेकेंड सरफेस की वजह से इनवर्ड, कितना होगा? चार्ज डेंसिटी उतनी ही है ना, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, पता चला? क्लियर? तो बताओ यहां पे लेफ्ट साइड ये रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। यहां पे आपको माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, माइनस की वजह से हमने डायरेक्शन दिखा दिए, तो माइनस का काम डायरेक्शन में खत्म हो गया। बोलो तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। बताओ ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, बराबर। दो सरफेस के बीच में बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका इस डायरेक्शन में है, सेकेंड का भी उसी डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का एडिशन ले लेंगे, तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब टू टाइम्स सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू कट कर दो तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बीच में होगा, इतना, बराबर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, मैं फोर्थ कंडीशन ले रहा हूं यहां पे, बराबर। दोनों पॉजिटिवली चार्ज या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज जो शीट हो, तो अगर मैं यहां पे दो पॉजिटिव ले लू तो सबसे पहले हम डायरेक्शन दिखाएंगे। चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, मतलब सबसे पहले मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं आउटवर्ड, आउटवर्ड, एंड यहां पे दिखाओ तो आउटवर्ड ऐसे। अच्छा चलो इसकी वजह से आउटवर्ड, मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में होगा एंड यहां पे इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बराबर। चलो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड शीट का बताओ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट,
अब देखो दो सरफेस के बीच में जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक का है इस डायरेक्शन में, सेकेंड का है इस डायरेक्शन में, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये रीजन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बताओ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पता चला। एंड एक लास्ट कंडीशन देखते हैं जिसमें अलग अलग चार्ज डेंसिटी ले रहा हूं, हाँ लेकिन दोनों पॉजिटिव है, बराबर। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, इसकी चार्ज डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, बराबर बराबर, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, बराबर आउटवर्ड। ये भी पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, तो यहां पे है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। देखो एरो की जो लेंथ थी ना उसमें डिफरेंस दिखाया मैंने, क्यों? क्योंकि सिग्मा इसकी ज्यादा है, सिग्मा इसकी कम है, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, अगर सिग्मा ही कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है ना एरो की वो शॉर्ट दिखाई, बराबर। चलो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, पता चला। चलो ये रीजन में देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हम दोनों का एडिशन करेंगे, सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टू एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लो, तो ऊपर आएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ये रीजन में। बताओ यहां पे सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट दोनों का एडिशन करो तो इतना ही मिलेगा आपको, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, यहां पे जितना था उतना ही यहां पे रहेगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बराबर। लेकिन बीच में देखो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आपको करना है स्ट्रॉन्ग किसका है, देखना है इसका स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग में से वीक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट में एलसीएम ले रहा हूं, बोलो क्या आएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, पता चला, क्लियर। सेकेंड चैप्टर में कैपेसिटर के केस में हम ये जो कंडीशन है ना वो अप्लाई करेंगे, एंड ये कंडीशन और कुछ नहीं कैपेसिटर की ही कंडीशन है, तो ये पोर्शन हम सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं।